फिक्स्ड ओवरहेड के लिए बड़ी यूनिक बात कह रहा है। हम सोच रहे हैं पहले आपको समझा दें फिर ये लाइन पढ़ाएं, ठीक है? पहले समझिए अब फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कैसे करना है। लिखिए आप भी फिक्स्ड ओवरहेड अगर 50,000 है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब होता है नॉर्मल कैपेसिटी। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट? नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मली माल कितना बनाते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 10,000, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सिचुएशन की। केस वन, मान लो एक्चुअल में भी 10,000 आ गया, एक्चुअल आउटपुट भी 10,000 है, ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना रहेगा? फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना बोला जाएगा? अरे भाई एक्सपेक्टेड भी 10,000 है, एक्चुअल भी 10,000 है, तब तो क्लियर है कितने से डिवाइड होगा, 10,000 से। फिगर दो आई नहीं तो सोचना ही नहीं है। 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा? 5 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट में फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा कितना जोड़ेंगे? 5 रुपए। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। दूसरी बात, दूसरा केस, केस टू, अगर एक्चुअल आउटपुट आपकी 9,000 है, एक्चुअल आउटपुट आपकी 9,000 है, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट क्या बोले? फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड ही करिए, कितना आएगा? 5 रुपए। अच्छा, अगर 9,000 से डिवाइड कर देते तो क्या होता, जब बताइए तो करो डिवाइड, 9,000 से डिवाइड करो, हम यहां कर रहे हैं, 9,000 से डिवाइड करो, 50,000 डिवाइडेड बाई 9,000, 5 रुपए 55 पैसे। कह रहा है ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तुमको एक यूनिट का खर्चा कितना दिखाना है? 5 ही रुपए दिखाना, ठीक है। तीसरा केस, एक्चुअल में मान लीजिए ज्यादा हो गया, 11,000 हो गया, अब तब क्या करें? 50,000 डिवाइडेड बाई कितना? 11,000 कर दीजिए, कह रहा है करिए, कितना आ रहा है? 4 रुपए 54 पैसे। अगर हम 10,000 से कर दिए होते तो क्या होता? 5 रुपए। ये नहीं करना है। अब आपको हम समझाते हैं कि क्यों एएस ऐसा बोल रहा है। वैसे तो सच पूछिए तो एएस बोल रहा है तो बोल रहा है, मानना पड़ेगा। हमने आपको पहली क्लास में क्या सिखाया था कि स्टैंडर्ड कैसे बनता है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड की बात कीजिए, स्टैंडर्ड कैसे बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमिटी जिस ट्रीटमेंट को क्या कर देती है, फाइनल कर देती है, ठीक है, वही क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड, ठीक है। हमने आपको पहली क्लास में बोला था कि क्या ये गीता बाइबल है? स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं। अरे आप ही जैसे इंसानों ने बनाया है, जिस ट्रीटमेंट को ज्यादा लोगों ने क्या किया, फेवर किया, वही ट्रीटमेंट क्या हो गई, मान ली गई। लेकिन वो समझदार लोग अगर बैठ के ऐसा कुछ डिसीजन लिए होंगे तो कोई तो लॉजिक होगा, तो बस यही बात समझ लेते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या कहना चाहते हैं वो। अकाउंटिंग हमारी चलती है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां 9,000 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 रुपए 55 पैसा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाती है और वैल्यू बढ़ जाती,
बढ़ाने नहीं देगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और यहां देखिए केस थ्री में अगर हम लोग 10 जैसे डिवाइड कर देते तो 5 रुपए हो जाती, बढ़ने थोड़ी ना देगा वो, 4 रुपए 54 पैसा ही करेगा। अब ऐसे याद रखिए कि अगर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है तो AS2 बढ़ने नहीं देता है, लेकिन अगर गिर रही है, अगर गिर रही है तो गिरने देगा, अगर गिर रही है तो गिरने देगा। स्टार्ट है, ठीक है ये बात। तो हम कैसे याद करें, याद कैसे करें, अगर प्रोडक्शन कम हो जाती है या फिर उतनी रहती है तो किस पे, नॉर्मल कैपेसिटी। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो किस पे, एक्चुअल प्रोडक्शन। लिख दें ये बात, एक जगह नोट कर लो, याद करने में आसानी रहेगा। फिक्स्ड ओवरहेड का अगर केस है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एक्चुअल प्रोडक्शन, ऐसे लिखेंगे मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या चीज यूज करना डिवाइड करने के लिए, नॉर्मल कैपेसिटी। एक्चुअल प्रोडक्शन गिर रही है तो भी नॉर्मल कैपेसिटी, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ रही है देन एक्चुअल प्रोडक्शन यूज कीजिएगा। कॉन्स्टेंट है तो नॉर्मल कैपेसिटी, अगर कम हो गई है प्रोडक्शन तो नॉर्मल कैपेसिटी, बढ़ गई है तो एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, अब कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद कर लेना, देख लेना, चेक करना एग्जाम में, आंसर अपना चेक करने का तरीका। अगर दो ऑप्शन आ रहा है तो दोनों से निकाल लो, जिसमें कम वैल्यू आ रही है वही वाली सही होगी। जब कभी याद ना आए कि 9000 से डिवाइड करें 10000 से करें, भूल जा रहे हैं एग्जाम में, तो सही आंसर पता है कौन सा होगा, जो कम आ रहा है वही होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आंसर चेक करने का तरीका वो भी याद रखिए, जहां से वैल्यू कम आ रही है वही सही है, ठीक है बच्चों। अब हम एक बात दोनों को मिला के बताने जा रहे हैं, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड जो अलग बताए थे और फिक्स्ड ओवरहेड अलग बताए थे, दोनों मिला के बता रहे हैं, लेकिन बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस में हमने मटेरियल डाला 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 यानी कि 1000, लेबर लगाया हमने 800 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड लगाया 300 रुपया और फिक्स्ड ओवरहेड लगाया हमने 500 रुपया। ठीक है, ये अब हम इसके बाद ये कहते हैं, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत इंटेलिजेंट बात है, बहुत ध्यान से बच्चे समझेंगे इस बात को, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब ज्यादा का तो चांस है ही नहीं, 1 यूनिट रॉ मटेरियल से 1 ही फिनिश गुड्स बन सकता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं,
नॉर्मल कैपेसिटी 120 यूनिट, लिख लिया सबने इस बात को। अब मतलब समझिए, अगर ये मतलब हम समझ जाएंगे तो शायद हम कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक यूनिट रॉ मटेरियल एक यूनिट फिनिश गुड्स ही बना सकती है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है? 100 यूनिट ही, मटेरियल ही 100 यूनिट डाल रहे हैं, पता है। लेकिन उसके बाद भी नॉर्मल कैपेसिटी 120 यूनिट लिखने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम एक प्रोसेस में 120 यूनिट बना सकते हैं, और ज्यादातर केसेस में ना 120 यूनिट रॉ मटेरियल डाल के 120 यूनिट बनाते होंगे। समझिएगा ध्यान से इस बात को, अगर ये लिखता है कि एक यूनिट रॉ मटेरियल एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाती है तो ये बात क्लियर है कि 100 यूनिट ही आउटपुट आ सकती है। अरे मटेरियल ही कितना डाले हैं, 100 यूनिट, लेकिन फिर भी कह रहे हैं नॉर्मल कैपेसिटी 120 यूनिट। तो क्या इसका मतलब है नॉर्मली 120 आ जाता है? हाँ 120 आ जाता है, लेकिन नॉर्मली 120 यूनिट मटेरियल भी डालते होंगे तब आता होगा, ये मतलब है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि इस प्रोसेस में 120 नहीं आ सकता, इसमें तो 100 ही आएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा प्रोसेस करके हम कितना निकाल लेते हैं माल, 120। क्लियर सबको? अब बात आती है, सर ये जो रॉ मटेरियल है, वेरिएबल ओवरहेड है और लेबर है, ये कितने यूनिट का खर्चा माना जाएगा? सर आपने सिखाया था नॉर्मल कैपेसिटी, तो क्या 120 यूनिट का खर्चा माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये 100 यूनिट का ही माना जाएगा। कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है कोई बच्चा? क्योंकि फिर बच्चा कहेगा सर अभी तो आपने बताया था नॉर्मल कैपेसिटी 100 यूनिट डाले थे और बोले थे 95 आएगा, तो 95 से डिवाइड कराए थे, वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी, ठीक है। यहां पे 120 यूनिट आ जाएगा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर दें, आएगा ही कितना, 100 यूनिट, ये क्लियर है, ठीक है। वो कौन सी सिचुएशन थी? वो वाली सिचुएशन थी जिसमें 100 डालते हैं, ठीक है, कितना आएगा? नॉर्मली 95 आता है, आया था कितना, 90, तो हमने कहा नॉर्मली कितना आता है, 95, उससे डिवाइड करो। अरे एक बात बताइए, जब ये क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिट मटेरियल डाल के एक यूनिट फिनिश गुड्स आएगा तो 100 डाल के नॉर्मली कितना आता होगा? अरे 100 ही तो आता होगा, ठीक है। तो बताए इन तीनों खर्चे के लिए आप 100 यूनिट ही देखेंगे, 100 यूनिट का ये खर्चा है। अब इस 500 रुपए के खर्चे के लिए कौन सी यूनिट देखें? 100 की 120, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड में हमने आपको बताया एक्चुअल कितना, 100, नॉर्मल कितना, नॉर्मली 120, ठीक है। अगर एक्चुअल में कम हो जाता है तो कौन सा लेते हैं? एक्चुअल में कम हो जाता है तो कौन सा लेते हैं? कम वाला, यानी कि 100 ही लेंगे। सब समझ पाए इस बात को? सबने समझा इस बात को? इस वाले में जब हम बात करेंगे फिक्स ओवरहेड के केस में, तो आपको हमेशा अलग तरीके से देखना है, ठीक है। इसके लिए हमेशा कैसे देखना होगा? जो भी नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है वो कंसिडर कीजिए और एक्चुअल प्रोडक्शन को कंसिडर कीजिए, ठीक है। लेकिन इन तीनों के लिए, ऊपर वाले तीनों के लिए, इन तीनों के लिए हमेशा जितना आप डाल रहे माल वही आपकी आउटपुट होगी, अनलेस क्वेश्चन ये बात क्लियर कट नहीं कहता है कि कुछ ना कुछ वेस्ट होता है। रिपीट करें बात, मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली नहीं कहेगा कि इतनी यूनिट आपकी वेस्ट होती है, तब तक आप क्या मानेंगे? तब तक आप यही मानेंगे जितना माल डाले हैं उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड के केस में, फिक्स्ड ओवरहेड के केस में क्वेश्चन आपको जो बता रहा है नॉर्मल कैपेसिटी और जो एक्चुअल प्रोडक्शन बता रहा है, वो दोनों कंसिडर करना ही है, ठीक है। ऊपर वाले तीन खर्चों में कंसिडर करना जरूरी नहीं है,
अगर क्वेश्चन साफ साफ कहेगा कि इतनी यूनिट वेस्ट होती है, तभी आपको वेस्टेज कंसीडर करना है। ठीक, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये बात थोड़ी और क्लियर होगी। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन कम हो जाती है या फिर कांस्टेंट रहती है तो कितना लेंगे, नॉर्मल, और अगर प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो ऐसे केस में जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, यही लिखा हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी और द डिफरेंस इज माइनर, या छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटे से डिफरेंस का मतलब है लोअर है। ठीक है, इन केस व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि हायर के लिए तो अलग से बोल रहा है, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज कर रही है नॉर्मल कैपेसिटी से कंसिडरेबली, द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आर इंक्लूडेड, हाउएवर द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड सो दैट द इन्वेंटरीज आर नॉट मेजर्ड ओवर कॉस्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई है तो कह रहा है वो इंक्रीज प्रोडक्शन से डिवाइड करो ताकि आपकी लागत जो है वो ज्यादा ना दिखाई दे। इंक्रीज प्रोडक्शन डिवाइड करेंगे तो लागत क्या हो जाएगी, कम दिखेगी, कह रहा है वो कम दिखनी चाहिए, ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। When actual production is substantially less than normal capacity, fixed overhead per unit is allocated on the basis of normal capacity. ये पता है? That is the amount of fixed production overhead allocated to each unit of production is not increased as a consequence of low production or idle plant. कह रहा है कम माल बनाए हो तो इसलिए कॉस्ट बढ़ाओगे नहीं, कम माल बनाए हो तो कम माल से डिवाइड नहीं करना, जितने से कर रहे थे उतने से ही करो। ठीक है, क्योंकि माल की लागत बढ़ानी नहीं है। Unallocated overheads are recognized as an expense in the period in which they are incurred. ये क्या चीज कह रहा है? Unallocated overhead. Unallocated overhead. ये क्या चीज है? अनएलोकेटेड ओवरहेड का मतलब होता है वो ओवरहेड जो हम यूनिट्स पे एलोकेट नहीं कर पाए, मतलब यूनिट्स पे चार्ज नहीं कर पाए। कब हम यूनिट्स पे खर्चों को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं? जब हम माल कम बनाते हैं तो मेरा खर्चा अनएलोकेटेड रह जाता है। ये अनएलोकेटेड कब आएगा? इन केस ऑफ लोअर प्रोडक्शन। देखिए कैसे, फिर से एग्जांपल को लिखेंगे और समझाएंगे आपको। आपका ओवरहेड जो था फिक्स्ड ओवरहेड वो था 50,000। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी? 5,000। और एक्चुअल आउटपुट कितनी थी? 4,800। अब आप हमको ये बताइए कि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000 या 4,800 डिवाइडेड बाई, बोलो, सिखा चुके हैं जल्दी बोलो, 5,000 कम हो जाता है या फिर प्रोडक्शन बराबर रहता है तो नॉर्मल कैपेसिटी 5,000 से करेंगे। अगर यही नहीं बताओगे तो आगे बताने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। 10 रुपया, इसका मतलब यह हुआ कि हर यूनिट पे 10 रुपए का खर्चा आपको फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करना है। तो जय ये बताइए प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो हम निकालेंगे उसमें माल कितना यूनिट बनाया, 4,800, तो 10-10 रुपया सब में आप चार्ज करोगे तो कितना चार्ज होगा, 48,000। अरे खर्चा प्रोडक्ट में कितना चार्ज हुआ है, 48,000 ही तो। अगर आपने 4,800 यूनिट बनाई तो खर्चा तो 48,000 चार्ज हुआ, लबकी लगा कितना है खर्चा, 50,000। 2,000 खर्चा कम चार्ज हुआ, पता है वो जो 2,000 खर्चा कम चार्ज हुआ उसी को क्या बोलते हैं, अनएलोकेटेड ओवरहेड। 2,000 रुपए, व्हाट इज अनएलोकेटेड ओवरहेड, वो ओवरहेड का खर्चा जो हम प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर पाए।
कब ऐसा होगा कि प्रोडक्ट पे खर्चा चार्ज नहीं हो पाएगा? जल्दी बोलिए, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कोई तकलीफ? प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो खर्चा क्या प्रोडक्ट पे पूरा चार्ज हो जाता है? हाँ, अगर यही 4800 की जगह 5200 प्रोडक्शन हो जाता तो आप डिवाइड ही किससे करते? 50,000 डिवाइडेड बाय 5200, तब तो पूरा खर्चा 50,000 चार्ज हो ही रहा है। ठीक है, अगर बराबर प्रोडक्शन हो जाए तो भी चार्ज हो रहा है पूरा पूरा। पता है ये परेशानी अनएलोकेटेड की कब की है? ये परेशानी तभी है जब प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2000 रुपए जो ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं किया, इसको कहां चार्ज करें? सीधे पीएल में। ये सीधे कहां ले जाइए? पीएल में चार्ज कर दीजिए अनएलोकेटेड ओवरहेड। अनएलोकेटेड ओवरहेड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। उसे खर्चे की तरह ट्रीट कर लीजिए उस पीरियड में जिसमें ये हुआ है। एक एग्जांपल है कि 18 लाख रुपए आपका फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है और 1 लाख यूनिट आपकी एक्सपेक्टेशन है बनाने की। ठीक है, पहला पार्ट, पहले पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इस 1 लाख यूनिट ये हटा दीजिए, अगर 1 लाख यूनिट आपकी एक्सपेक्टेशन थी, 1 लाख यूनिट बनाए हो तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट क्या होगा? 18 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इज 18 रुपीज। दूसरा पार्ट, अगर मान लीजिए 90,000 यूनिट बनाए हो तब क्या करें? बोलिए 18 लाख डिवाइडेड बाई कितना यूनिट करें? 1 लाख। ठीक है, अच्छा फिर तीसरा कह रहा है, अगर मान लो 1,20,000 यूनिट बनाए हो अब क्या करें? अब 1/1,20,000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, समटाइम्स अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस मे क्रेडिट इन मोर देन वन प्रोडक्ट। कभी कभी ये होता है कि हम रॉ मटेरियल तो एक डालते हैं, फिनिश गुड्स दो दो बनता है। इसमें डाला गया रॉ मटेरियल ए और ये प्रोसेस होके इस मशीन से निकला बी और सी। ठीक है, हमने कॉमन प्रोसेस किया था, मटेरियल डाला, लेबर लगाया, बाकी खर्चे लगे और बी और सी दोनों बन गया। तो जितना भी खर्चा लगा है इसको तैयार करने में, वो खर्चा किसका है? बी और सी दोनों का है। बी और सी में इस खर्चे को कैसे बांटा जाए ये सीखना है। ठीक है, इन केस दिस एडिशनल प्रोडक्ट इज इंटेंडेड आइटम। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बी और सी दोनों बनाना चाहते थे और दोनों बना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ए को प्रोसेस करके बनाना चाहते थे, बी सी तो बनता ही है इसलिए बन गया है। रिपीट करें अपनी बात, आपको कॉस्ट बी और सी की निकालने के लिए पहले यह जानना पड़ेगा कि क्या दोनों निकालना चाहते थे, दोनों निकालना क्या आपका इंटेंशन था, या आप निकालना एक चाहते थे दूसरा अपने आप निकल गया। अगर दोनों निकालना चाहते थे और दोनों निकला है तो ए बी और सी कहलाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते थे बी और सी निकल गया बस अपने आप, तो पता है सी को क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। अब हम बी को बोलेंगे मेन प्रोडक्ट और सी को क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट। When both are intentional, they are known as joint product. When one is intentional and other अपने आप आ गया, तो जो intentional था वो main product और जो अपने आप आ गया that is by product.
समझिए सबको, मेन प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है और ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है। जब दोनों इंटेंशनल है तो ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब हम पहले आपको बता रहे हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट अगर ये है तो कैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है। चलिए ज्वाइंट प्रोडक्ट सीखिए, क्या खर्चा लगा है, मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है, सब मिला के कितना लगा है, 50,000 रुपया। अब बी का खर्चा कितना और सी का खर्चा कितना, बी कितनी यूनिट तैयार हुई है, बी यूनिट तैयार हुई है मान लीजिए 500, ठीक है, और ये तैयार हुई है सी 400, ठीक है, तो बी कितने की बिकेगी, इसकी मार्केट प्राइस क्या है, 20 रुपया, और इसकी मार्केट प्राइस कितना है, 24 रुपया। ये मल्टीप्लाई कीजिए, जो आ रहा है ये बनेगा रेशियो, और इसी रेशियो में 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बात समझ में आई, अगर दो माल तैयार होता है तो जितना माल तैयार हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात एक दूसरे तरीके से। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि बी और सी तैयार हुए थे 500-400 यूनिट, लेकिन बिके हैं 400-300 यूनिट। बिका कितना है, बी 400 और सी 300, तो क्या 400-300 की मार्केट वैल्यू के रेशियो में बांटेंगे, नहीं, जितना माल बना है उसकी मार्केट वैल्यू के रेशियो में। ये जो 500 और ये 400 है ये है प्रोडक्शन, और ये 20 रुपया 24 रुपया क्या है, ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। कोई तकलीफ किसी को नहीं, आगे सुनिए। ये मार्केट प्राइस कौन सी है, बी और सी को हमने मार्केट में जितने में बेचा है वो है मार्केट प्राइस। हाँ, हम बी और सी को जितने में बेचेंगे मार्केट में वो है मार्केट प्राइस, लेकिन अगर मान लीजिए हम बी और सी को हम तो बेचेंगे ही नहीं मार्केट में, हमको तो बी और सी बेचना ही नहीं मार्केट में, पता हम तो कोई और माल बनाते हैं, बी से फिर एक्स बनाते हैं और पता है सी से क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं, हमको बी सी बेचना कहाँ है, तो बी को अलग मशीन में ले जाते हैं, दूसरी मशीन में ले जाके क्या बना देते हैं, एक्स, और सी से क्या बना देते हैं, वाई। तो ऐसे केस में अब बी और सी का खर्चा हमको अलग अलग इसलिए करना पड़ेगा ताकि एक्स और वाई की कीमत अलग अलग पता चले। ध्यान दीजिए, बी से हम फर्दर क्या बना रहे हैं, बोल रहे हैं एक्स, और सी से फर्दर क्या बनाएंगे, वाई। तो इसमें भी लेबर प्लस ओवरहेड लगेगा और इसमें भी लेबर प्लस ओवरहेड लगेगा, ठीक है, लेकिन एक्स का खर्चा तो तभी पता चलेगा जब बी का हम मटेरियल का खर्चा आपको बताएंगे, तब ना मिला के एक्स का खर्चा पता चलेगा, और वाई का खर्चा तो तभी पता चलेगा जब हम सी के मटेरियल का खर्चा यहां पे जोड़ेंगे। यानी ऊपर जो प्रोसेस हुआ है, ए से आपको क्या मिला, बी और सी, आपको बी और सी फिर भी अलग करना पड़ेगा अगर आप नहीं भी बेचते हो तो। आई बात समझ में, कैसे अलग करेंगे, अगर आप बीओसी नहीं बेचते तो कोई बात नहीं, कोई और बेचता है मार्केट में पता करो, वो लोग अगर 20 रुपया 24 रुपया का बारी लोग बेचते हैं, 20 और 24 मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कीजिए, इसी रेशियो में बांट दीजिए, तो 20 और 24 मार्केट प्राइस था। हम आपको बताना चाहते थे ये कौन सा मार्केट प्राइस था, हम बेचते हैं तो मेरा मार्केट प्राइस, हम नहीं बेचते हैं तो दूसरों का मार्केट प्राइस, लेना तो कौन सी मार्केट वैल्यू है, वही जो माल स्प्लिट होके तैयार हुआ है उसी की मार्केट वैल्यू। क्लियर बात सबको, हम बीओसी नहीं बेचते हैं तो मार्केट वैल्यू तो है नहीं, कोई और भी नहीं बेचता बीओसी, पूरी दुनिया में कोई नहीं बेचता बीओसी, अब क्या करें, कहां से लाएं। अगर ऐसा है कि आप भी नहीं बेच रहे हो, पूरी दुनिया में कोई नहीं बेच रहा है, तो कोई बात नहीं, एक्स और वाई कितना कितना बना, एक्स बना 500 यूनिट, वाई बना 400 यूनिट, ये बिकेगा 60 रुपए में,
ये बिकेगा 90 रुपए में, इनकी वैल्यू को लाइए और इसके रेशियो में आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा यही 50,000, इसका रेशियो ले लीजिए। बात समझ में आई? इस रेशियो में डिवाइड करके हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, बी और सी का खर्चा, इसका एक्स और वाई का नहीं निकाल रहे हैं, बी और सी का खर्चा अलग अलग कर रहे हैं। जोर तो नहीं पड़ा दिमाग को? 60 और 90 मार्केट प्राइस लिया हमने, ठीक है, कि जब हम एक्स बना लिए वाई बना लिए तो वो सब भी बिकेगा मार्केट में। एज्यूम किया कि एक्स 60 रुपए का बिक रहा है, वाई 90 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, पहले वो ए बी था तो बताया कितने का बिकता था, बस 20 रुपया था, और खर्चा भी तो लगाए हैं, इसलिए अब कितने का बिक रहा है, 60 रुपये। जो 24 रुपए का माल बिकता था वो फर्दर प्रोसेस करके कितने का बेच रहे हैं, 90 रुपये। देखो याद रखो, कैसे ऐसे याद रखिए कि अगर हमें सेल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पता है तब स्प्लिट ऑफ, इसे कहा जाता है स्प्लिट ऑफ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ का मतलब होता है जैसे ही अलग अलग हुआ, स्प्लिट हुआ, ठीक है, तो जितनी भी कॉस्ट आपकी लगती है, ये जो कॉस्ट है 50,000 रुपया, इसको बोला जाता है ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट किसे कहते हैं, जब वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती, एक से अधिक की कॉस्ट होती है ना, तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। इससे दो प्रोडक्ट तैयार हो गया ना, इसलिए ज्वाइंट कॉस्ट है, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटा जाता है, मेरे साथ बोलिए, ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटा जाता है, सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ, ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ, बट इन केस इट इज नॉट अवेलेबल देन सेल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, सेल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाए उसकी सेल वैल्यू के रेशियो में बात होंगी ज्वाइंट कॉस्ट। लेकिन ये तब करेंगे जब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ नहीं है, ठीक है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ नहीं है का मतलब क्या है, हम नहीं बेचते हैं, नहीं नहीं है का मतलब यह होता है कि हम भी नहीं बेचते, कोई भी नहीं बेचता है, इसलिए नहीं है सेल वैल्यू, ठीक है। हम बेचते हैं तो हमारी अपनी सेल वैल्यू ली जाएगी, और हम नहीं बेचते हैं तो क्या किया जाएगा, तो इन केस अगर हमें सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ नहीं मिल रही है तो फाइनल प्रोडक्ट की सेल वैल्यू के रेशियो में भी हम ज्वाइंट कॉस्ट को बात, यही बात यहां पे कही गई है। इन केस दिस एडिशनल प्रोडक्ट इज इंटेंडेड आइटम एंड हैज अ गुड मार्केट वैल्यू, दे आर नोन एज ज्वाइंट प्रोडक्ट। द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंकर्ड ऑन ऑल द प्रोडक्शन एंड नॉट आइडेंटिफिएबल सेपरेटली इज एलोकेटेड अमंग द प्रोडक्ट ऑन सम रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। The allocation may be based, for example, on relative sale value of each product, either at the stage in the production process when the product becomes separately identifiable, or at the completion of production. तो दोनों बातें कह रहा है, कह रहा है allocation may be based on relative sale value of each product at the stage in the production process, ठीक है, और जैसे split हुआ वहां पे, या फिर प्रोडक्ट बिकम सेपरेटली आइडेंटिफिएबल और एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट पे भी आप कर सकते हैं। इफ दिस एडिशनल प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ गुड मार्केट वैल्यू देन दे आर कंसीडर्ड एज बाय प्रोडक्ट। जो साथ में प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसकी बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू नहीं है या आप इंटेंशनली उसे बनाना नहीं चाहते थे, वो तो बनता ही है, तो ऐसे में वो बाय प्रोडक्ट क्या करता है। इन दिस केस द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेन प्रोडक्ट। क्या है आपकी दूसरी बात समझेंगे, अब मान लीजिए इस प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने ज्वाइंट कॉस्ट लगाई 50,000 की, और क्या क्या निकला, ए निकला और बी निकला,
ठीक है, ए हमारा मेन प्रोडक्ट है और बी क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बी की आपको एनआरवी लेनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। इसकी जो भी एनआरवी होगी वो होगी आपकी इनकम, वो होगी इनडायरेक्ट इनकम जो पीएल में जाएगी, ये सीधे पीएल में जाता है। और मेन प्रोडक्ट की बस कॉस्ट निकाली जाती है, तो बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं दिख रही। बाई प्रोडक्ट को बेच के जितना पैसा आएगा ना वो इनकम बोलते हैं। जैसे स्क्रैप बिक गया 10,000 का, कबाड़ा बिक गया घर का 10,000 का, तो 10,000 इनकम, ठीक है। और कॉस्ट किसकी निकालेंगे, मेन प्रोडक्ट की। कैसे निकालेंगे कॉस्ट, इसकी निकलती है ज्वाइंट कॉस्ट लेंगे जो 50,000 थी, और इसकी वाली एनआरवी यहां से लेस कर देंगे, ये एनआरवी लेस कर देंगे, यहां से माइनस कर दिया जाएगा। अब जो आया ये कॉस्ट है मेन प्रोडक्ट की। अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं तो बांटा जाता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू के रेशियो में खर्चे को बांटते हैं। लेकिन अगर एक बाई प्रोडक्ट होता है तो जितना उसको बेच के पैसा रियलाइज होता है वो क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट इनकम, पीएल में चला जाएगा। और उतना ही हम मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट से क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोटा मोटी ज्वाइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट का खर्चा माना जाता है, और बाई प्रोडक्ट को बेच के जितना पैसा आ गया वो लेस कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एनआरवी का मतलब क्या है फिर ध्यान दीजिएगा। अगर बी बाई प्रोडक्ट है और इसको आपने 500 रुपए में सेल किया तो ये सेलिंग प्राइस होती है, सेल वैल्यू होती है। सेल करने में 20 रुपए का खर्चा लगा तो वो लेस कीजिएगा, 480 रुपए एनआरवी है, ये इनकम होती है और यही लेस होगा यहां से। सेलिंग प्राइस मत लेस कर दीजिएगा, क्या चीज लेस करना है, एनआरवी और बाई प्रोडक्ट। ठीक है ना, अच्छा मान लीजिए और भी क्या हुआ, ए निकला मेन प्रोडक्ट, बी निकला एक बाई प्रोडक्ट, और सी निकल गया एक प्योर स्क्रैप है, 2 किलो स्क्रैप निकल गया, ये 20 रुपए का ये भी बेच दिए, बेचने में कोई खर्चा भी नहीं लगा, कबाड़ी वाला आया लेके चला गया 2 किलो स्क्रैप, 20 रुपए का ये भी बेच दिए। अब ये 20 रुपए भी पीएल में जाएगा और यहां पे 480 प्लस 20 दोनों लेस होगा, मतलब 20 रुपए और कम करेंगे, तो हम लोग ने अभी तक कन्वर्जन कॉस्ट को देखा। अब कन्वर्जन कॉस्ट की देखिए यहां पे एक समरी दी हुई है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है, एंड एट टाइम्स इट इज ज्वाइंट कॉस्ट। अगर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स नेचर का है तो कहता है ये कन्वर्जन कॉस्ट कैसे चार्ज करना होगा, एट नॉर्मल कैपेसिटी एंड एट टाइम्स एट एक्चुअल प्रोडक्शन ऑल्सो। आपको कभी कभी नॉर्मल कैपेसिटी पे चार्ज करना है, कभी एक्चुअल प्रोडक्शन पे। कब नॉर्मल कैपेसिटी पे करना है, व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज ईदर सेम एज नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्शन हायर होगी तो एक्चुअल प्रोडक्शन से आप क्या करेंगे, फिक्स ओवरहेड को डिवाइड करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड को कैसे चार्ज करना है, ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑलवेज, ठीक है। देन डायरेक्ट लेबर
ये हम लोग ने देखा था। ज्वाइंट कॉस्ट के लिए क्या देखा, अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, व्हेन आप दो प्रोडक्ट पाते हैं और दोनों ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंटेंशनल होते हैं, आपने जानबूझकर बनाया है, तो ऐसे केस में ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करेंगे, सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ स्प्लिट ऑफ, और अगर ये अवेलेबल नहीं है, स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तब क्या करने वाले हैं आप, सेल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट आप उस रेशियो में बांट देंगे। तो यही लिखा हुआ है सेल वैल्यू एट सेपरेशन, एट सेपरेशन का मतलब क्या है, एट स्प्लिट ऑफ। फिर लिखा हुआ है सेल वैल्यू आफ्टर सेपरेशन, व्हाट डज आफ्टर सेपरेशन मींस, आफ्टर सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि स्प्लिट ऑफ के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा उस रेशियो में डिवाइड कर लीजिएगा। बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाली जाती, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक इनडायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की जितनी एनआरवी होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, और इस एनआरवी को आप लेस कर देते हैं ज्वाइंट कॉस्ट से, तो आपको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाती है। तो बाय प्रोडक्ट के केस में एनआरवी इज डिडक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट इन ऑर्डर टू नो कॉस्ट ऑफ व्हाट, इन ऑर्डर टू नो कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। चलिए अब उसके बाद देखने जा रहे हैं हम लोग अदर कॉस्ट। आपने स्टार्ट कैसे किया था, इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है वो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे होती है, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अदर कॉस्ट, ठीक है, अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। क्या कहता है, अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे लाने के लिए जो खर्चा हुआ है उसे हम कहते हैं अदर कॉस्ट, और इसे एड कर दिया जाएगा। अब आप हमें बताएंगे कि इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे लाने वाला खर्चा क्या होता है, ट्राई कीजिए, यस, फ्रेट। देखिए इनका कहना है फ्रेट होगा, और कोई ओपिनियन, गोडाउन चार्जेस। देखिए इनका कहना है कि गोडाउन चार्जेस प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन वाला खर्चा है। एक काम करते हैं, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन को हम हिंदी में बोलते हैं, शायद अब आपको यह बात समझ में आएगी। हम कहते हैं ये देखिए ये आदमी कहां पहुंच गया, कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हुआ। हमने कहा कि ये देखिए ये आदमी कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया, मतलब कहां पहुंच गया, कुतुब मीनार पे, माउंट एवरेस्ट पे, नहीं, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसने जो पोजीशन एक्वायर की है वो कैसे एक्वायर की है, बात इसकी हो रही है। बिल्कुल वही बात यहां प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आ रही है कि प्रोडक्ट जो प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे पहुंचा है वो किस लिए पहुंचा है, ऐसा क्या किया गया था कि ये प्रोडक्ट यहां तक पहुंच गया, पता है इसका मतलब क्या है। हम कहते हैं देखो पतंजलि के प्रोडक्ट कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, देखिए पतंजलि के प्रोडक्ट कहां पहुंच गए हैं। जब हम कहते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट देखो कहां पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, बहुत दूर दूर तक चले गए हैं। इसका मतलब यह है कि पतंजलि के प्रोडक्ट बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, क्यों छू रहे हैं भाई, निश्चित है बाबा रामदेव ने बालकृष्ण जी ने क्या किया होगा, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कुछ रिसर्च की होगी, कुछ डिजाइनिंग की होगी। प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन का मतलब यह होता है कि वो प्रोडक्ट अगर इतना आगे बढ़ गया है तो उसमें क्या यूनिक था, वो इन्वेंट्री जो इतने आगे निकल गई है उसके पीछे क्या कारण था, ऐसा क्या यूनिक था उसमें। तो पता है क्या चीज यूनिक होती है जिससे एक इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन तक पहुंच जाती है, वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा और डिजाइन का खर्चा। तो ये अदर कॉस्ट क्या है, ये अदर कॉस्ट है डिजाइन का खर्चा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ये जो ओवरहेड होते हैं ये तीन जगह लगते हैं, फैक्ट्री में लगते हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में लगते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हम आपसे जानना चाहते हैं ये डिजाइन का खर्चा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कहां होता है,
फैक्ट्री में होता होगा, ऑफिस में होता होगा, या फिर वेयर हाउस में बैठ के होता होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। ये खर्चा पता है कहां होता है? ऑफिस में बैठ के होता है। और जो इन्वेंट्री की कॉस्ट निकलती है वो किससे निकलती है? फैक्ट्री कॉस्ट से, जितना खर्चा फैक्ट्री में होता है। तो क्या हम फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा भी कोई खर्चा प्रोडक्ट में जोड़ते हैं? हाँ, ये जो अदर कॉस्ट है वो ऑफिस का खर्चा हो सकता है और फिर भी प्रोडक्ट में इसे जोड़ा जाएगा। लेकिन ऑफिस के सिर्फ दो ही खर्चे प्रोडक्ट में जोड़े जा सकते हैं। कौन से खर्चे जोड़े जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के खर्चे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे। क्लियर है सबको? एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। एक्सक्लूजन, क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में इंक्लूड नहीं की जाएंगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या इंक्लूड होगा ये हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या इंक्लूड होगा? आपने पढ़ा सर टैक्सेस जो रिकवरेबल नेचर के हैं वो ऐड नहीं होगा, नॉन रिकवरेबल है तो वो ऐड हो जाएंगे, फ्रेट का खर्चा लगा है तो वो ऐड हो जाएगा। यानी अभी तक हम पढ़ते ये आ रहे थे कि क्या क्या खर्चे ऐड होते हैं इन्वेंट्री में। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब AS2 स्पेसिफाई कर रहा है कि ये चीजें तो आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूड कर ही देनी है। क्या क्या एक्सक्लूड कर देना है? AS2 gives the following as example of cost that should be excluded from cost of inventories and recognized as expense in the period in which they are incurred. कहता है इसको cost of inventory से exclude कर दीजिए, हटा दीजिए। ये अगर खर्चे होते हैं तो inventory में मत जोड़िए। इसको कहां चार्ज कीजिए? Recognized as expense in the period in which they are incurred. इसे खर्चे की तरह recognize कर लीजिए उस period में जहां पे ये incur हुए हैं, यानी कहां पे charge कर लीजिए? PL। तो कहता है नीचे हम कुछ खर्चों की बात कर रहे हैं, इसे इन्वेंट्री में मत जोड़िएगा, इसको पीएल में चार्ज कीजिएगा। क्या क्या है वो? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, अगर मटेरियल एबनॉर्मली वेस्ट हो गया, अगर मटेरियल एबनॉर्मली वेस्ट हो गया तो उसके खर्चे को प्रोडक्ट में चार्ज मत कीजिएगा। पता है नॉर्मली एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए, वन यूनिट फिनिश गुड रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है? जनरली हमें 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, और ये 2 kg रॉ मटेरियल आता है 200 रुपए का, ठीक है? हाँ, 2 kg जनरली चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 kg 100 ग्राम लग जाता है, और कभी कभी 1 kg 900 ग्राम में भी एक यूनिट तैयार हो जाती है, थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन एक बार जब हम प्रोसेस कर रहे थे तो 5 kg रॉ मटेरियल लग गया 500 रुपए का एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में। 3 kg रॉ मटेरियल क्योंकि एबनॉर्मली वेस्ट हो गया, ठीक है? 100 ग्राम 200 ग्राम तो नॉर्मली वेस्ट होता ही है, 100 ग्राम 200 ग्राम तो नॉर्मली वेस्ट होता ही है, लेकिन 3 kg वेस्ट होना ये एक एबनॉर्मल वेस्ट है। जिस प्रोडक्ट में 5 kg रॉ मटेरियल लगा है 500 रुपए का, जब उस प्रोडक्ट की हम कॉस्ट निकालेंगे तो क्या मटेरियल का 500 रुपए जोड़ देंगे? कहता है नहीं जोड़िएगा। कहता है मटेरियल का खर्चा 200 रुपए जोड़िएगा, और 300 रुपए का जो अधिक मटेरियल लग गया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसे पीएल में सीधे चार्ज कर दीजिएगा। यानी अगर मटेरियल एबनॉर्मली हाई लग गया कभी तो प्रोडक्ट में मत जोड़िए। अगर रॉ मटेरियल एबनॉर्मली हाई लग गया बिकॉज ऑफ वेस्टेजेस तो वो एबनॉर्मल एक्सेस क्वांटिटी जो लगी है उसको पीएल में चार्ज कीजिए। द सेम वे फॉर लेबर। एक यूनिट बनाने में जनरली 2 घंटे लेबर के लगते हैं, और हम लेबर को कितना देते हैं? 200 रुपया। लेकिन जब हमने उसे एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने को दी तो क्या हुआ? उसने 1 घंटे काम किए तब तक मशीन खराब हो गई, 3 घंटे मशीन बनाने में लग गए, फिर उसने 1 घंटा और काम किया तो प्रोडक्ट रेडी हो गया। प्रोडक्ट बनाने में कितने समय लगते हैं? 2 घंटे जनरली। तो उसने 1 घंटा प्रोडक्ट पे काम कर लिया था तब तक मशीन खराब हो जाती है, 3 घंटे लग जाते हैं मशीन को रेडी कराने में, और फिर उसके बाद 1 घंटे वो और लेता है और प्रोडक्ट रेडी कर देता है। टोटल टाइम कितना लगाया लेबर ने? 5 घंटे। मजदूरी कितने घंटे की मिलेगी इस लेबर को? 5 घंटे की। अगर मशीन खराब हो जाता है तो इससे लेबर का क्या लेना देना, ये तो कंपनी समझे। अगर लेबर ने 5 घंटे की अटेंडेंस दी है तो 5 घंटे की पेमेंट उसे की जाएगी। यहां पे लेबर कॉस्ट मेरी लग गई उस पर्टिकुलर यूनिट पे 500 रुपए, लेकिन उस प्रोडक्ट की जब लागत जोड़ी जाएगी, कॉस्ट जोड़ी जाएगी, तो 500 रुपए नहीं जोड़ा जाएगा,
क्योंकि 3 घंटे जो लेबर के हमारे लगे वो एबनॉर्मल वेस्टेज है, ये नॉर्मली नहीं होता, दिस इज एन एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ लेबर आवर्स, और ऐसे केस में 3 घंटे की जो 300 रुपए की पेमेंट है इसे पीएल में चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट यही कहता है कि जितने भी एबनॉर्मल वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल, लेबर या प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन की और कोई भी कॉस्ट जो एबनॉर्मल वेस्टेज की वजह से लग गई हो, उसे पीएल में चार्ज कीजिए, प्रोडक्ट पे ना जोड़िए। दूसरा, स्टोरेज कॉस्ट। जब हम प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन की बात कर रहे थे तो कुछ बच्चे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन से क्या समझ रहे थे, लोकेशन का मतलब स्टोरेज का खर्चा। कहता है स्टोरेज का खर्चा प्रोडक्ट का खर्चा नहीं होता, लेकिन पता है स्टोरेज अगर प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है तो स्टोरेज के खर्चे को जोड़ दिया जाता है। स्टोरेज के खर्चे को नहीं जोड़ना इन्वेंट्री की कॉस्ट में, लेकिन अगर स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है तो स्टोरेज प्रोसेस को, स्टोरेज कॉस्ट को जोड़ देना है। क्या मतलब है? ये है मेरा प्रोसेस ए। इस प्रोसेस से जैसे ही मेरा आउटपुट आता है, पता है हमें क्या करना पड़ता है, इसे 5 घंटे कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है आउटपुट को, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमें इसे प्रोसेस बी में डालना पड़ता है। 5 घंटे कूल करने के लिए एक जगह बनाई गई है, कि स्टोरेज प्लेस लिया गया है जहां पे इसको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, तो ये 5 घंटे तक धीरे धीरे कूल होता है और फिर प्रोसेस बी में डाल दिया जाता है। इस आउटपुट को कूल करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मशीन बी में, प्रोसेस बी की जो मशीन बी है उसमें बेसिकली अगर गर्म रॉ मटेरियल डाल दिया जाए तो मशीन खराब हो जाएगी। तो पता है उसे 5 घंटे के लिए स्टोर करना, ए प्रोसेस से निकाल के बी प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करने के पहले, वो 5 घंटे की स्टोरेज क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है, और ऐसे स्टोरेज के लिए अगर कोई खर्चा लगता है तो वो प्रोडक्ट की लागत होती है। लेकिन माल बनकर तैयार हो गया, उसे गोडाउन में स्टोर कर दिया, तो गोडाउन चार्जेस ये प्रोडक्ट की कीमत में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट तैयार होने के पहले उसे बीच में स्टोर करना पड़ता है और ये जरूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे केस में ये प्रोडक्शन की लागत कहलाती है स्टोरेज, और स्टोरेज के खर्चे को जोड़ दिया जाता है। आपको तो पता ही है कि हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है फैक्ट्री कॉस्ट पे, और फैक्ट्री कॉस्ट में कौन सा ओवरहेड आता है, एक तो मटेरियल आता है, लेबर आता है, और फैक्ट्री वाला ओवरहेड आता है। ओवरहेड कौन सा आता है फैक्ट्री कॉस्ट में? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐसा भी है जिसको जोड़ दिया जाता है, वो क्या है? डिजाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा ऑफिस में होता है, अगर ऐसा खर्चा किसी प्रोडक्ट पे लगा है तो आप उसे क्या कीजिए, प्रोडक्ट पे ऐड कर दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है, सर ऐड कैसे करें? अगर डिजाइन में 10 लाख रुपए का खर्चा लगा है तो डिजाइन के खर्चे को प्रोडक्ट में कैसे डालें? तो जब हम डिजाइन बना लिए हैं 10 लाख रुपए की, तो इसके बाद हम प्लान करेंगे कि इस डिजाइन से आउटपुट कितना तैयार करेंगे। मान लीजिए हमें लगता है कि हम इस डिजाइन के यूज से 1 लाख यूनिट ऑफ आउटपुट तैयार करेंगे, तो 10 लाख रुपए के डिजाइन के खर्चे को 1 लाख यूनिट से डिवाइड कर देंगे और 10 रुपए पर यूनिट का खर्चा जोड़ देंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी प्रोडक्ट में नहीं जोड़ना है। लेकिन आपको याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ा भी जाता है, और वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइनिंग की कॉस्ट, ठीक है। तो वेल स्टॉप हियर।